आज का और वर्तमान जो सबसे अहम मुद्दा है पर्यावरण का है, और पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखने के लिए स्कूलों में स्कूल ग्रीन प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि वहां के स्थानीय स्कूल के बच्चे इको क्लब के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सरकार का और विभाग का एक ही मकसद है कि हमारा जो आने वाले पीढ़ी है वो पर्यावरण के बारे में जाने, उसके प्रेमी बने और पर्यावरण को कैसे शुद्ध और साफ रखा जा सकता है उसके बारे टीचर्स उनको शिक्षा दें और उनका लगाव जो है पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति बढ़ता रहे, ताकि भविष्य में हमारी जो पृथ्वी, जिसके ऊपर आज संकट और यहाँ तक कहा जाता है कि आने वाले कल में हमारी पृथ्वी जो कूड़ेदान की तरह काम करेगी, ये कूड़े का डब्बा बन सकती है, इसको बचाने के लिए सभी स्तर पर इस प्रकार के प्रयास बहुत ही जरूरी हैं। और हमें खुशी है कि हमारे स्कूलों में इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक हमीरपुर जिला की बात है कि हमारा जो पर्यावरण जो ऑडिट था, जिसमें एयर, इलेक्ट्रिसिटी और पानी के ऑडिट की बात की जा रही थी, तो हमीरपुर जिला पूरे प्रदेश के अंदर 12 जिलों में सर्वप्रथम उसने स्कोर जो है वो हासिल किया है। और इसलिए उन सभी स्कूलों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो भी स्कूल स्तर पर जो उस साइट के ऊपर जो ऑडिट कर रहे हैं उसको वो जारी रखें। और हमने एक यहां से प्रपोजल और प्रस्ताव भेजा था, सभी स्कूलों ने इसके बारे में मांग की थी कि पर्यावरण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रत्येक स्कूल को 2500 रुपये दिए जाता है बहुत कम है, तो इस राशि को इस बार 5000 किया जा रहा है और ये सैंक्शन हो चुकी है। और बहुत जल्दी प्रत्येक इको क्लब, जो कि 250 इको क्लब हमारे हमीरपुर जिला में काम कर रहे हैं, उनको 5000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और कुछ 5-6 स्कूल जिनके हमारे पास अकाउंट नंबर गलत थे, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपने अकाउंट नंबर को दोबारा भेजें, ताकि उनको भी वो राशि जो है वो समय अनुसार भेजा जा सके। और हमारा ये जो ग्रीन, जो स्कूल ग्रीन कार्यक्रम है, स्कूलों में इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने की आदत बनी रहे, अपने उस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की उनमें आदत बने, साथ में कूड़ा कचरा इसका निष्पादन किस प्रकार से हो और हमारा जो पर्यावरण जो है वो कैसे पहले से बेहतर हो और शुद्ध हो, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस प्रकार के संस्कार और इस प्रकार की उनके अंदर कार्य प्रणाली जो है वो पैदा हो सके, इसके लिए मैं सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो सहयोग करें। और